नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। बामनी खेड़ा हसनपुर मार्ग पर गांव पिंगौर के समीप सवारियों ने भरे ऑटो को सामने से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से ऑटो में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन चार लोग मामूली घायल हो गए। वहीं कार चालक मौके पर ही कार को छोड़कर फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए व घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पलवल जांच अधिकारी एएसआई लक्ष्मीनारायण के अनुसार शुक्रवार की रात को एक ऑटो पलवल से सवारियों को लेकर हसनपुर जा रहा था। जब ऑटो गांव पिंगौर के समीप पहुंचा तो उसे सामने से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार गाँव करीमपुर निवासी 50 वर्षीय इंद्र सिंह व हसनपुर के वार्ड नंबर 15 निवासी 30 वर्षीय लोकचंद्र की मौत हो गई, जबकि तीन चार अन्य सवारी मामूली घायल हो गई। वहीं आरोपी स्विफ्ट कार चालक मौके पर ही कार को छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए व घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की शिकायत पर आरोपी फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया। मेरे पापा की मौत हुई है, स्विफ्ट गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। दुर्घटना हुई थी, ये ऑटो में जा रहे थे, जो मृतक हैं ये ऑटो अपने बामनी खेड़ा से हसनपुर की तरफ इसमें सवार थे। समय करीब 7-8 बजे के लगभग, तो जैसे ही दिगोड़ से आगे पिंगोड़ के पास पहुंचे तो सामने से एक स्विफ्ट गाड़ी ने ऑटो उसी दी टक्कर मार दी, जिसमें दो ये मर चुके हैं। कहाँ कहाँ के हैं मरने वाले? एक इसमें एक इंद्र है, ये है जी करीमपुर गाँव का, और दूसरा हसनपुर का वार्ड नंबर 5 का, और बाकी भी इंजर्ड हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट रेफर करा दी। तो ये ऑटो पलवल की तरफ से हसनपुर जा रहा था, हसनपुर से पलवल की तरफ पलवल से हसनपुर की तरफ जा रहे थे।